हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों को एडवाइजरी जारी कर प्रदेश सरकार स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर ध्यान दे ताकि गुड़गांव व दिल्ली जैसी घटनाएं हिमाचल प्रदेश में ना हो पाए। ये मांग दी हमीरपुर उपभोक्ता संरक्षण संगठन के अध्यक्ष सुशील शर्मा ने की है। उन्होंने कहा कि सभी निजी व सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। उन्होंने मांग की है कि प्रत्येक स्कूल के शौचालय के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं ताकि अवांछित लोग इस शौचालय में जाने की हिम्मत ना कर सके। उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों को ये भी निर्देश जारी किए जाएंगे कि कक्षाओं में केवल अध्यापक ही जाएं तथा बिना बुलाए अन्य स्टाफ सदस्य कक्षाओं की तरफ ना जाएं। इसके साथ ही निजी स्कूल व सरकारी स्कूल इस बात पर ध्यान रखें कि स्टाफ व अन्य कर्मचारियों के लिए शौचालय अलग से बनाए गए हों ताकि छात्र छात्राओं के शौचालय इस्तेमाल करने की अन्य स्टाफ को आवश्यकता न पड़े। उन्होंने मांग की है कि निजी स्कूल की बसों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं तथा इस संबंधी निर्देश सुप्रीम कोर्ट पहले ही दे चुका है। संगठन की तरफ से हम सरकार से मांग करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के सभी स्कूलों में और हमीरपुर प्रशासन से भी मांग करते हैं कि जितने भी सरकारी और निजी स्कूल हैं उन सभी स्कूलों में एडवाइजरी जारी कर जो सुरक्षा के मापदंड हैं उनको पूरा करने के लिए कहा जाए ताकि जो गुड़गांव और दिल्ली में जो घटनाएँ सामने आई हैं उस तरह की घटनाएँ ना सामने आए। और सरकार से मांग है कि इसमें चेक भी किया जाए, सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो शिक्षा विभाग के वो चेक करें कि ये जो मापदंड सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए हैं उनको उनके ऊपर जो पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी सरकारी और निजी स्कूल हैं उनमें सभी में सीसीटीवी इंस्टॉल किए जाएं और ये मांग रहेगी कि शौचालय जो हैं वो स्टाफ के लिए शौचालय जो है अलग से हों। ऐसा ना हो कि स्टाफ के लोग और जो छात्र छात्राएं हैं उनके जो शौचालय हों वो एक नहीं होने चाहिए, इसमें विशेष तौर से ख्याल रखा जाए और सीसीटीवी जो है वो शौचालयों के बाहर भी स्थापित किए जाएं ताकि कौन शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है उसके ऊपर पैनी नजर रखी जा सके। इसके साथ ही बसों में भी सीसीटीवी लगाने का जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि निजी स्कूलों की जो बसें हैं या कोई भी स्कूल बस जो है उसमें सीसीटीवी लगाए जाएं, तो मेरी ये सरकार से मांग रहेगी कि इस जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उनको पूरा करने के लिए जो है वो नियम अपनाने के लिए जो अधिकारियों को आदेश दें ताकि वो उसके ऊपर चेक रख सकें।